हेलो फ्रेंड्स, हमारे इस यूट्यूब चैनल हेल्थ की दुनिया को सब्सक्राइब करने के लिए अपनी स्क्रीन पर दिए गए इस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर जाकर क्लिक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें जिससे आपको हमारे इस चैनल की सारी नोटिफिकेशन मिल सके। हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल हेल्थ की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि इस बरसात के मौसम में कैसे आप अपने घर में पैदा होने वाले और घूमने वाले कीट पतंगों छिपकलियों से छुटकारा पा सकते हैं, कैसे घरेलू नुस्खों के द्वारा आप इनको घर से दूर भगा सकते हैं। बरसात का मौसम शुरू हो गया है, इस मौसम में कीट पतंगों की पैदावार बढ़ जाती है, इससे घरों में छिपकली कॉकरोच मक्खियां व अन्य कीटाणु डेरा जमाने लगते हैं। इनसे छुटकारा पाने के लिए आप बाजार से कई तरह के जहरीले केमिकल या पाउडर भी खरीदते होंगे। इन जहरीले रसायनों से एक और जहां घर में रखना खतरनाक होता है, वहीं इनके दुर्गंध भी घर में रहने वालों के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। आपके घर में बच्चे भी होंगे, बड़े बुजुर्ग भी होंगे, उनको भी इससे दिक्कत आ सकती है, उनके लिए यह खतरा भी बन सकती है। आज हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं कि घर में छिपे कॉकरोच, छिपकली, चूहे व अन्य कीट पतंगों से छुटकारा पाने के कुछ घरेलू उपाय। ये उपाय अपनाकर आप इन जीवों से तो छुटकारा पा ही सकते हैं, साथ ही इनका आपके और आपके प्रियजनों के शरीर पर कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। तो आइए जानते हैं इन उपायों के बारे में। कॉकरोच से छुटकारा पाने के लिए काली मिर्च, प्याज और लहसुन को पीसकर मिला लें। इस पेस्ट को पानी में डालकर एक सॉल्यूशन तैयार कर लें। इस सॉल्यूशन को उस जगह पर छिड़कें जहां पर बहुत ज़्यादा कॉकरोच हैं। इसकी तेज गंध से वह आपका घर छोड़कर भाग जाएंगे। अगर किचन में आपको कॉकरोच ज़्यादा परेशान कर रहे हैं तो वहां थोड़ी सी लौंग रख दें। इसकी खुशबू से भी कॉकरोच किचन में घुसेंगे नहीं, वह किचन से दूर ही रहेंगे। अंडों के छिलकों से भगाएं छिपकली। अंडे के खाली छिलकों को कुछ ऊंचाई पर रख दें। अंडे की गंध से छिपकली दूर भाग जाती है। इनको घर से भगाने का यह कारगर उपाय है। अंडों से छिपकली को कोई खुशबू, कोई स्मेल नहीं आती, लेकिन उनको यह भय रहता है कि इस जगह पर कोई बड़ा जानवर है जो उनको खा जाएगा, इसीलिए छिपकलियां उस जगह से दूर चली जाती हैं। पेपरमिंट से पाएं चूहों से मुक्ति। आमतौर पर घरों में चूहों की परेशानी से निजात पाने के लिए लोग पिंजरा लगाते हैं या फिर चूहे मारने की दवा भी डालते हैं, लेकिन यह तरीका खुद के लिए भी खतरनाक हो सकता है और आपके बच्चों के लिए तो खासकर। प्राकृतिक उपायों में पेपरमिंट का उपयोग भी प्रभावशाली है। पेपरमिंट की गंध चूहों को बिल्कुल नहीं सुहाती, इससे उनका दम घुटने लगता है और थोड़ी देर में वह मर भी जाते हैं। अगर घर में चूहे उत्पात मचा रहे हैं तो पेपरमिंट को रुई के फाहे बनाकर चूहे की संभावित जगहों पर रख दें। इसकी महक से उनका दम घुटने लगेगा, वह या तो मर जाएंगे या फिर आपके घर से दूर भाग जाएंगे। मक्खियों से ऐसे पाएं छुटकारा। बारिश के मौसम में मक्खियां भी बढ़ जाती हैं, इनसे छुटकारे के लिए घर साफ और दरवाजे बंद रखें। बावजूद इसके अगर घर में मक्खियां आ जाएं तो कॉटन के कपड़े को किसी तेज गंध वाले तेल में डुबोकर दरवाजे पर रख दें, इससे मक्खियां नहीं आएंगी, तेल की गंध से मक्खियां दूर रहती हैं। खटमलों से निजात पाने के लिए प्याज का इस्तेमाल। प्याज का रस खटमल को मारने की प्राकृतिक औषधि है, यह एक नेचुरल उपाय है। इसकी गंध से उनकी सांस बंद हो जाती है और वह तुरंत मर जाते हैं या तो गुफ्तगा से दूर भाग जाते हैं, इसलिए खटमल भगाने के लिए आप प्याज के रस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे और भी उपाय हैं जो छोटे छोटे कीट पतंगों के लिए आप अपना सकते हैं, जैसे कि चींटों को दूर रखने के लिए जमीन और दरवाजों के किनारे पर कोई दरार ना रहने दें। सफाई के लिए पानी में सिरके का प्रयोग करें, इससे भी चींटे और चींटियां दूर रहेंगी। अंडे के छिलके घर से बाहर रखने से घर में छिपकली नहीं घुसेगी। आधा कटा प्याज के आसपास कीड़े मकोड़े फटकेंगे भी नहीं। मक्खियों को दूर भगाने के लिए संतरे के छिलके को खुले में रख दें, इससे मक्खियां दूर चली जाएंगी। पानी वाली सभी जगहों को अच्छी तरह साफ करके रखें, क्योंकि मानसून के दौरान ऐसी जगहों पर कीड़े बहुत जल्दी उत्पन्न होते हैं, वह मॉइस्चर में ही ज्यादा उत्पन्न होते हैं। कारपेट के नीचे नीम की पत्तियां रख दें, यह नमी सोखकर कीड़ों को दूर रखेगी। किचन में सफाई रखें, मक्खियां और बदबू से बचने के लिए डस्टबिन, ढक्कन वाला या बंद डस्टबिन का ही प्रयोग करें। घर के अंदर या बाहर पानी जमा ना होने दें, वरना कीड़े और बीमारियों का होने का बहुत ज्यादा खतरा हो जाता है।
अगर कोई कीड़ा काट ले तो उसका डंक निकालने के लिए प्रभावित जगह पर घी लगाकर लोहे की कोई चीज रगड़ दें और तुरंत ठंडा पानी पी लें। इससे वह जगह सूजेगी नहीं और आपको दर्द भी कम होगा। तो दोस्तों, यह कुछ उपाय हैं जो आप मॉनसून में कीट पतंगों, चूहे, छिपकलियों को अपने घर से दूर भगाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कोई जानकारी चाहते हैं, तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर हमसे वह जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल हेल्थ की दुनिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।